तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वारी और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले ट्रेंडिंग आईलाइनर लुक, तो किस तरीके से करना है सब कुछ डिटेल में वीडियो में देखने को मिलेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो हेयर स्टाइल को थोड़ा लुक हेयर स्टाइल के लुक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने लगाया हुआ है ऑयल और आज है बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, तो मैं हेयर वॉश नहीं कर सकती हूँ। तो आप सिर्फ जो लुक बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। वेडिंग सीजन चल रही है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, यूनिक लगेगा, डिफरेंट लगेगा, तो ट्राई जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने डार्क सर्कल वगैरह को हाइड करने की, देन अपने आईब्रोज को फील कर लीजिएगा अगर लुक आपको परफेक्ट चाहिए तो। एंड हाइड करने के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे मेरा कलर फेयर है तो मैं यहाँ पे यूज करूँगी ऑरेंज येलो कलर करेक्टर। बहुत अच्छे से हाइड हो जाता है फेयर लुक फेयर कलर के लिए ये येलो कलर करेक्टर से, कोई भी डार्क स्पॉट्स है तो इसको हम लोग हाइड करेंगे। एंड इसको ब्लेंड करने के लिए आप अपनी फिंगर टिप्स का भी यूज़ कर सकते हो एंड आप चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो। तो शादी हो गई तो कोई भी सामान अच्छे से मिल नहीं रहा, तो ये मेरा ब्यूटी ब्लेंडर मिल गया। इसको ब्लेंड करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा मेकअप फिक्सर ले रही हूँ एंड इस पर इस तरीके से लगा दिया है, देन इसको ब्लेंड कर लूँगी। इससे क्या होता है कि बहुत ईजिली ब्लेंड भी हो जाता है एंड जो आपका लुक है एंड जो आपने कंसीलर यूज किया है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है और केकी नहीं होता है। तो इस तरीके से मेकअप फिक्सर का यूज करके आप ब्लेंड कर सकते हो। ओके, दूसरी साइड भी इसी तरीके से कर लेंगे। फाउंडेशन लगाने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक बताया हुआ है मैंने, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उस तरीके से अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपका जो फाउंडेशन है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ग्रे नहीं पड़ेगा एंड काफ़ी अच्छा फिनिशिंग आता है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने डार्क सर्कल को हाइड कर लिया है। अभी येलो है तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे कंसीलर। तो ये वाला कंसीलर मैंने दुकान से लिया था, ब्यूटी बेरी का है, डबल इफेक्ट कंसीलर है एंड ये बीबी ब्यूटी बेरी का है। एक साइड से आपका कुछ इस तरीके का है स्टिक वाला एंड दूसरी साइड है लिक्विड वाला, तो मैं अभी स्टिक वाला यूज कर रही हूँ और अपने डार्क सर्कल को बहुत अच्छे से हाइड कर रही हूँ। वाह, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है क्योंकि क्रीमी बेस में है ये। और अगेन मैं दोबारा से इसको ब्लेंड करने के लिए थोड़ा सा मेकअप फिक्सर इस तरीके से ले रही हूँ, देन ब्लेंड कर दूंगी। ओके, ये देखिए बहुत इजीली ब्लेंड हो गया है और डार्क सर्कल भी मेरा यहाँ पे हाइड हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा सेट करेंगे हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से। अगर आपका कलर मीडियम टू डार्क है तो आप ऑरेंज कलर करेक्टर यूज कीजिएगा। अब आपको ये एक्स्ट्रा दिख रहा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी देर के बाद ये स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड रात को 8 से 10 बजे के बीच में लाइव आऊँगी, उस टाइम मैं ये मेकअप रिमूव नहीं करूँगी, फिर आप उस टाइम इसका लुक देखिएगा। ओके, तो ये मैंने कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर, शेड नंबर 2 है इसका। मेरे चेहरे के लिए शेड नंबर 1 जाता है बट मैंने शेड नंबर 2 ले लिया है तो अब इसको यूज़ कर ले रही हूँ। तो कोई भी मेकअप कर रहे हो बेस को सेट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बाद में आपका मेकअप फट सकता है एंड केक ही दिख सकता है। तो इसको सेट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डार्क सर्कल हाइड करने के लिए भी बताया था। अब हम लोग अपना आईब्रो फिल करेंगे। आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ आईब्रो पेंसिल। तो ध्यान से देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियोज में वैसे बताया हुआ है कि आईब्रो को कैसे फिल करना चाहिए। नीचे मैंने लाइन बनाई है एंड जैसा शेप चाहिए आपके आईब्रो को वैसे आप इस तरीके से बना लीजिए। ऊपर में फ्रंट से थोड़ा सा एरिया छोड़ के और इस तरीके से लाइन बना लेंगे। बैक में आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा भी दोगे तो चलेगा बट फ्रंट में आपको बहुत ज़्यादा नहीं यूज करना है पेंसिल या फिर आईब्रो जेल आईलाइनर कुछ भी।
हो सकता है कि आपके आईब्रो का जो शेप है वो बिल्कुल सेम ना हो, तो आपका काम है कि आप जब भी जेल आईलाइनर या फिर आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रो को शेप देते हो तो उसको परफेक्ट बनाना। जैसे कि मेरा ये आईब्रो है ज़्यादा उठ के बना हुआ है और ये थोड़ा नीचे की तरफ है, तो मैं इसको इसको भी इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से पेंसिल को लेके जाऊंगी और उठकर बनाऊंगी। अगर मैं जैसा मेरा आईब्रो है वैसे बनाती हूँ तो यहाँ से ये देखिए हेयर दिख रहे हैं आपको, लेकिन इसके अकॉर्डिंग करने के लिए ये हेयर छोड़ के मैंने ऊपर से पेंसिल को लगाया है। ओके और यहाँ पे मेरे ऊपर में हेयर नहीं है, लेकिन दोनों को सेम करने के लिए मैंने इस तरीके से पेंसिल को लगाया है। अब इसको ब्लेंड करेंगे। ओके तो अभी आपको बिल्कुल सेम दिख रहा है। अब इसको ब्लेंड करने के लिए हम लोग लेंगे आईब्रो ब्लेंडिंग वाला ब्रश, तो इसको इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। फ्रंट में आपको बिल्कुल हल्के हल्के लाइट हाथ से इस तरीके से मिक्स करना है। देखा बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है और बिल्कुल परफेक्ट शेप आता है आपके आईब्रो का। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड भी करेंगे। यहाँ पे नीचे में ज़्यादा हेयर है, ऊपर हेयर थे ही नहीं, तो मैंने इसको इस तरीके से पेंसिल की मदद से बना लिया है एंड दोनों आईब्रो को बिल्कुल सेम दिखाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी पेंसिल और लगा देंगे यहाँ पे, ताकि जो आईब्रो का शेप है वो दोनों की तरफ बिल्कुल इक्वल हो जाए। तो अभी इक्वल हो चुका है एंड थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर देंगे। तो आई होप कि आईब्रो फिल करने का सही तरीका आपको पता चल गया होगा। अब बारी आती है मेन टॉपिक की, जो कि मैंने बताया था लाइनर लगाने का तरीका। तो उसके लिए मैंने ये लिया है C7C का आईलाइनर, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है और बिल्कुल वाटरप्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो आपको क्या करना है इसके लिए, ये जो हमारी कट है यहाँ से ऊपर की तरफ विंग्स बनाएंगे। देन इसको मिला देंगे। फ्रंट से भी इस तरीके से लगा लेंगे। ओके अब इनर कॉर्नर पे, सॉरी अगर आपका भी इस तरीके से फैल जाए तो उसको तुरंत के तुरंत मत निकालिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा जिससे कि ये ड्राई हो जाए, उसके बाद आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पे सेंटर में हम लोग इस तरीके से लाइनर को लगाएंगे और लेस आई लेसेस के जस्ट नीचे से इस तरीके से विंग्स को खींचेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो इस तरीके से आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चला हुआ है ये वाला आईलाइनर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कहीं जाइएगा मत।
और ये आईलाइनर जो है बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है एंड बहुत अच्छा है ये, इसको आप ले सकते हो आप चाहो तो। ये मैंने दुकान से लिया था तो मुझे 150 में पड़ा था, आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑफर चलते रहते हैं तो आपको और सस्ता पड़ सकता है। ऊपर का जो विंग बनाया था उसको भी लंबा करेंगे इस वाले लुक में। अब इसके बाद हमको क्या करना है वो भी ध्यान से देखिएगा। अब हमको लेना है वाइट कलर का आई शेडो। इसके बाद हमको लेना है इस तरीके का ब्रश, ब्रश दिखा रही हूँ कैसा लेना है आपको भी, इस टाइप का ब्रश लेना है वाइट वाला, कंसीलर यूज करेंगे यहाँ पे। देन जो आपने विंग्स बनाई है जस्ट उसके ऊपर एंड इनर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। सेंटर में आप वाइट का जल यूज करना है एंड वाइट का जल नहीं है तो आप इस तरीके का वाइट कंसीलर वो सॉरी आई शेडो लेके और यूज कर सकते हो। ओके, अब दूसरी साइड इसी तरीके से सेम टू सेम करेंगे। उससे पहले हम लोग आई लेसेस लगाएंगे, आई लेसेस लगाने की वीडियो अलग से शेयर कर दूंगी आपके साथ। तब तक दूसरे वाले आईज में लगा के फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो इस तरीके से दोनों आईज पे आईलाइनर लगा ली है तो बहुत ईजी तरीके से आप इस तरीके का लाइनर क्रिएट कर सकते हो। देन मैंने यहाँ पे लिया है लैक्मे 3D लेसेस वॉल्यूम मास्कारा, तो इसको अप्लाई करते हैं। मस्कारा मत लगाओ तब तक आई मेकअप का या फिर आईलाइनर का लुक जो होता है वो अच्छे से नहीं आ पाता है। एक्स्ट्रा चीज़ें जब भी फेस पे गिरती है तो तुरंत के तुरंत आप साफ़ करने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा वेट कर दें, उनको ड्राई होने दें और फिर आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हो। ओके, आर्टिफिशियल आई लेसेस कैसे लगानी है उसकी डिटेल वीडियो चैनल पे अपलोड है तो जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए अभी सूखा नहीं था ये, अगर ये ड्राई हो जाता है तो बहुत इजीली निकल जाता है। तो कैसा लग रहा है आपको ये आईलाइनर लुक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिपस्टिक के लिए भी बहुत प्यारा सा लुक बनाती हूँ मैं अभी, तो वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये है फाइनल लुक। तो ये है
आईलाइनर का फाइनल लुक कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आजकल इस तरीके का लाइनर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला है, वेडिंग सीजन है और इसकी जो मैंने वाइट ये कलर फील किया है इसके अंदर, जस्ट इसके नीचे आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग आईलाइनर के जस्ट नीचे कलर अप्लाई करोगे तो और भी प्यारा लुक आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आईब्रोज के नीचे तो और ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत सा लुक आपका बन के रेडी होगा। तो आप इस तरीके का आईलाइनर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आईलाइसेस लगाने की डिटेल वीडियो चैनल पर अपलोड है तो आप आईलाइसेस जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस आई लाइनर के साथ आप थोड़ा सा अपने ड्रेस से मैचिंग इस तरीके का आई शेडो अपने आईज के आईब्रोज के नीचे आई लाइनर के नीचे देन विंग आई लाइनर के ऊपर जस्ट इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपके आई मेकअप का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगने वाला है। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वेडिंग सीजन है तो आप ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा एंड मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैंने तो अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग नहीं लगाया है बट ऐसे ही ब्लू कलर लगा दिया, आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग लगाइएगा आई शेडो। बाय बाय।